हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की एनसीईआरटी संस्कृत की बुक का चैप्टर 4, जिसका नाम है सदैव पुरुतो निधेहि चरणम, की हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चल चल पुरुतो निधेहि चरणम, सदैव पुरुतो निधेहि चरणम। चल चल पुरुतो मतलब कि चलो चलो, हमेशा आगे ही कदम रखो। सदैव पुरुतो यानी कि हमेशा आगे ही कदम रखो। गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरी के शिखर पर मतलब कि पर्वत की चोटी पर मेरा अपना निवास है। विनय वयान नगारोहणम, बिना किसी यान के ही पर्वत पर चढ़ना है। बल स्वकीयम भवती, इसका मतलब है कि हमारा अपना बल ही एकमात्र साधन है। सदैव पुरुतो निधेहि चलना, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। पथि पाषाढ़ विषमः प्रखरः, पथि मतलब कि मार्ग में, पाषाण मतलब पत्थर, विषम मतलब असामान्य, प्रखर मतलब नुकीले। इसका मतलब हुआ कि मार्ग में असामान्य और नुकीले पत्थर होंगे। हिंसक पशु परे तो घोरः मतलब कि हिंसक और भयानक पशु होंगे। सुदुष्करम खलो यद्यपि गमनं, यद्यपि आगे जाना अत्यंत कठिन होगा। या सदैव पुरुतो निधेहि चरणम, फिर भी हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। जहि ही भीति भज भज शक्तिम, जहि भीति मतलब कि डर को त्याग दो और शक्ति की उपासना करो, शक्ति को भजो। विदोही राष्ट्र तथा नुरिक्त मतलब कि राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाओ। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, हमेशा अपने ध्येय को याद करो, मतलब कि अपने जो मतलब कि हमेशा अपने उद्देश्य को याद करो, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। तो देखिए हम इसका अनुवाद हमारा हो गया है, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्वकीयम साधम किम भवती, मतलब कि अपना साधन क्या है। तो देखिए पहली लाइन में ही था गिरी शिखरे बलम, देखिए इसका आंसर है बलम। अब देखिए दूसरे वाले का देखते हैं, सी के विषमा प्रखर मतलब कि रास्ते में असामान्य और नुकीले क्या हैं। पाषाढ़ मतलब कि पत्थर, ये पैराग्राफ में था। सततम की कर्याणी करियाणम मतलब कि हमें क्या लगातार क्या करना चाहिए। देखिए लिखा है ध्येय स्मरणम मतलब कि हमारे उद्देश्य को हमेशा याद करना चाहिए, उद्देश्य का स्मरण करना चाहिए। तो इसका उत्तर है ध्येय स्मरणम। देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एतस्य गीतस्य रचयिता कः, मतलब कि इस गीत के रचयिता कौन है। देखिए हमें इसमें दे रखा था श्रीधर भास्कर, यानी कि इस गीत के रचयिता हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, स की दशम कवि मन्यते। अब देखिए फिफ्थ वाले का क्वेश्चन है कि स की दशम कवि मन्यते, यानी कि कवि का मानना क्या है। इसका मास्टर है राष्ट्रवादी, कवि का मानना है कि हमें राष्ट्रवादी होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, इसी के साथ हमारे चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।